हेलो मेरे प्यारे चीतो, दिस इज द गेमर डॉक एंड वेलकम टू येट अनदर इन GTA 5। सो टुडे इज अ स्पेशल डे। व्हाई? बिकॉज टुडे वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी कार्स ऑफ ऑल टाइम इन द रियल वर्ल्ड एंड अ कार जिसको यू नो गेमिंग कम्युनिटी ऑफ GTA 5, कार कम्युनिटी ऑफ GTA 5 बहुत टाइम से मांग रही थी, लेकिन रॉक स्टार बींग रॉक स्टार वो अभी तक हमें दे नहीं रहे थे। फाइनली दे हैव गिवन अस, विच इज द कार राइट हेयर। आई गेस इट शुड बी इन लेजेंडरी या सदर्न। लेट मी सी, आई गेस लेजेंडरी होगी। नो, सदर्न सैन एंड्रियास में, सॉरी। एंड इट इज द बेनिफैक्टर वो समथिंग। इट इज राइट हियर, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द हैमर बिल्ट ऑफ मर्सिडीज बेंज। एंड लेकिन जो मैं जो बिल्ड करने वाला हूँ, दैट इज गोना बी बेस्ड ऑन 190 EVO 2, बिकॉज आई लाइक दैट वन, एंड दैट इज द मर्सिडीज दैट आई यू नो रिमेंबर फ्रॉम माई डेज वेन आई यूज टू वॉच मूवीज एंड ऑल दैट स्टफ। सो फॉर दैट रीजन इस गाड़ी के हम दो बिल्ड करेंगे। एक तो हम करेंगे EVO 2 बिल्ड और एक हम करेंगे बिल्कुल सादा बिल्ड, राइट? मतलब दैट माफिया काइंड ऑफ अ बिल्ड। सो दिस इज द कार जस्ट गॉट रिलीज्ड एंड कितने की है? दिस इज 1.7 1.8 मिलियन। ओके, इट हैज गॉट दिस वुडन ट्रिम इट सीम्स। ओके, दैट्स गुड, दैट्स डिफरेंट। सो लेट्स बाय। अभी एक ही गाड़ी खरीदेंगे, अगर ये वाली गाड़ी हमें अच्छी लगी तब हम फिर दूसरी वाली गाड़ी खरीदेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स ग्रीन में करते हैं, बकवास कलर फॉर दिस कार। सिंस हमारे पास में एक गाड़ी की जगह इस वाले इसमें खाली है गैराज में, तो यहाँ पे हम मंगाते हैं इसको। 1.7 मिलियन में लग गई आग। नाउ लेट्स गो एंड आई विल सी यू गाइस इन दैट गैराज, गैराज के बाहर, बिकॉज मैंने कुछ गाड़ियाँ अपनी लाइक द वीडियोज आर येट टू कम, आई हैव बीन रिकॉर्डिंग दो सेड वीडियोज। तो मैं आपको उस गैराज के मिलता हूँ बाहर उस गाड़ी में। हेयर इज द कार राइट हेयर, लुक्स रियली गुड, लाइक रियली रियली नाइस, लुक्स वेरी मच क्लोजर टू द रियल यू नो कार। उसके अलावा द व्हील्स, दे आर लुकिंग रियली नाइस, लाइक वाओ, लुक्स रियली गुड। हम थोड़े से हवा में हैं इस समय आगे वाले टायर के हिसाब से। ओह नाइस, एंड द हाई बीम, अच्छा नीचे से और इससे दोनों से काम करता है, दैट्स गुड। नाइस एंड इंटीरियर्स वुडन ट्रिम, यप वी हैव गॉट वुडन ट्रिम पीपल, दैट्स अ बिट डिफरेंट आई गेस। करेक्ट मी इन द कमेंट्स इफ आई एम रॉन्ग। यार ये मेरी भाई, ये विंडो का ये जो बन रहा है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ शायद से किसी गाड़ी में। नाइस, थोड़ा सा ऑब्वियसली क्वालिटी तो वही है GTA 5 वाली, बट इट लुक्स नाइस। डेफिनेटली रॉकस्टार इज रिलीजिंग GTA 5 कार्स एंड GTA 6 कार्स एंड GTA 5 अपडेट्स नाउ। एंड विद दिस बॉटम डॉलर माउंटेड DLC की ये लास्ट गाड़ी है जो आई है, तो नाउ लेट्स गो टू आर ऑटो शॉप एंड कस्टमाइज द कार एंड आई विल सी यू गाइस देयर। व्हाइल कि नहीं, नॉट सी यू गाइस देयर, मुझे आपको कुछ बताना भी है। सो आई वाज सेइंग कि दरअसल देखो, ये आगे आने वाली वीडियोस में होता है, एंड लेटली आई हैव नॉट बीइंग पोस्टिंग न्यू कार वीडियोस, बिकॉज लाइक न्यू कार में क्या है, वो केनिस वाली इन्होंने लाइक, देखो पुलिस कार है, मेरे को वो दिखानी नहीं है, बिकॉज बिना बात के आई नो कि रॉक स्टार इज जस्ट ट्राइंग टू सक द मनी आउट ऑफ माई अकाउंट। डोमिनेटर एफेक्ट्स मेरे को इतनी अच्छी लगी नहीं, और कैस्टिगेटर यू कैन गेट इट फॉर फ्री अगर आप बॉटम डॉलर बाउंटी वाला जो आपका करियर वाला वो है अगर आप उसको पूरा करते हो तो इसलिए आई हैव नॉट बीन पुटिंग। ऑब्वियसली आई एम नॉट स्पेंडिंग माई मनी ऑन दिस पिज्जा बॉय। ओके, सो दैट्स दैट। नाउ कमिंग टू लेजेंडरी, भाई यहाँ तक से तो गाड़ियाँ हैं। पेपरस्ट्रेलो वॉज इज नॉट दैट गुड ऑफ अ कार, ये तो सबको पता है ही है, बिकॉज इट गॉट रिलीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अपडेट। सो बिकॉज ऑफ दैट, तो उसकी वजह से वी नो ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस पेपेस्ट्रेलो, एंड इट्स नॉट अ गुड कार, इट इज काइंड ऑफ ब्रोकन इन सम थिंग्स। DCA ब्रफी सब ने चीज़ दिखाई है, कि पायरेल गेमिंग ने भी, कि इट्स नॉट गुड, सो इसलिए हम नहीं कर रहे। सो इट्स नॉट लाइक कि आई हैव बीन गॉन, आई हैव बीन वॉचिंग थिंग्स क्लोजली, बट वही है, एंड आई हैव बीन रिकॉर्डिंग सम न्यू वीडियोज, आई हैव बीन वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स। अरे वाह, इट फेल्ट लाइक अ टेक डाउन। सो बेसिकली क्या है कि हमने कुछ अपनी रेसेस इंट्रोड्यूस करी हैं, एक वीडियो आएगा कौन कौन सी रेसेस, क्या क्या रेसेस, किस हिसाब से, वो अभी मैं आपको इस गाड़ी के लिए भी दिखा दूंगा, बिकॉज इट इज़ गोना बी इम्पॉर्टेंट। तो एक हमने ड्रैग रेस इंट्रोड्यूस करी है, एक टॉप स्पीड रन इंट्रोड्यूस करा है, एक हमने ट्रैक इंट्रोड्यूस करा है फॉर सर्किट रेसिंग, जिसके अंदर देर आर एलिवेशन चेंजेस एंड ऑल दैट इन द रोड। तो लेकिन वो सारा का सारा पक्का ट्रैक है, इट्स ऑल ऑन टारमैक, सो दैट्स वाई इट्स इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द ऑफ रोड कैपेबिलिटी ऑफ द कार। तो इसलिए जो लास्ट वाला ट्रैक है वो तो अभी आपने शायद से एक दो वीडियोज़ में देखा ही है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एलोमोसी के अराउंड, तो ये है। उसके अलावा LS कार मीट वाला हमारा ट्रैक है ये, जिसके अंदर बिकॉज वहाँ एलिवेशन चेंजेस नहीं है, तो वहाँ पे आपको ट्रैक्शन का, बैक एंड का, यू नो अंडरस्टीयर ओवरस्टीयर का प्रॉपर आइडिया लग जाता है। आई नो द वीडियो गेट्स अ बिट लेंदी, बट जब हम गाड़ी खरीद ही रहे हैं, और भाई देखो आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि भाई ये वाली जो मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, ये वाली गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है,
And here we are, let's go. Okay. So now let's start with the customization. As I said, EO2 build करना चाहेंगे हम तो and मेरे लिए तो one of the most legendary cars है, not legendary, iconic cars है, because even though I am not a Mercedes guy, believe me I am not, but I know these cars by देखने से I can tell. And before GT and everything, I used to play real racing a lot. I know Wild Games is not making a proper gamer, but भाई जो है सो है. तो मैं बहुत खेलता था एंड आई नो दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ दोस कार्स जिसने मेरा बड़ा खून पिया बिकॉज इट यूज्ड टू रिक्वायर दोस गोल्ड कॉइंस टू अपग्रेड देयर थिंग्स एंड ऑल इरिटेटिंग स्टफ. खैर सो लेट्स गो. देखो ईवो 2 बिल्ड में ये वाला वाइट बॉडी किट नहीं होता है. दिस कैन वर्क इन द ईवो 2 बिल्ड, लेकिन ईवो 2 बिल्ड में क्या है कि जो हमारे फेंडर्स जाते हैं ना, ये जैसे ये तो राइट नाउ दे आर गोइंग विद द सर्कमफेरेंस ऑफ द टायर, है ना, जो अपर वाला बाउंड्री है, जो बॉडी बाउंड्री है, मैं जस्ट अबव जो टायर के वेल पे, जो व्हील वेल पे, मैं वहां की बात नहीं कर रहा, वो ना थोड़ा लंबा जाके मिक्स होता है इन द बॉडी. यहाँ पे दोनों के दोनों जो फेंडर से दे आर गेटिंग मिक्स इन द बॉडी थोड़ा, मतलब वहीं के वहीं इंस्टेड, जबकि यहाँ पे ये थोड़ा पीछे जा रहा है. तो आई थिंक फॉर दैट रीजन आई एम नॉट आउट, यू सी व्हाट आई डिड देयर. या सो आई थिंक आई माइट गो विद दिस. लेट्स गो. आर्मर, ओके, ब्रेक्स, रेस, bumpers, let's see what all option do we have here. Ooh, Euro plates, nice, they look really good. Fog delete, I mean this looks cleaner definitely. Street and then this. Okay, I think I'm gonna go with fog light delete because ye acha lag raha hai dekhne mein. So fog light delete main karunga iske andar jahan tak hai, because ye wali fog light even though theek hai, matlab sahi lag rahi hai, but thoda out of place to dekho lag rahi hai, thoda less clean bhi lag raha hai. To fog light delete. Rear bumper, what do we have? Okay. This is our stock one, so I don't have too much hopes. Okay, I was right. Okay, so you can make a build. I don't know if you guys know about ASAP Rocky's Mercedes. If you're a car guy, you know, because you also know about NFS. I don't know much about ASAP Rocky. कुछ गाने मैंने सुने हैं, लेकिन I got to see his build in NFS Unbound. तो अनबाउंड की वजह से आई नो द बिल्ड ऑफ ASAP Rocky, बट आई एम नॉट पिकिंग एनी ऑफ दीज. इंजन 4, एग्जॉस्ट, लेट्स सी. ये स्टॉक वाला तो बहुत गंदा सा लग रहा है देखने में, अजीब सा लग रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे कि पेपर, जो पानी के अंदर पेपर डुबो के फिर उसको एक साथ चुपका के सा बना दिया हो. रिमेंबर जब हम छोटे थे स्कूल में तो वी यूज टू डू दिस, आई डोंट नो किसी को याद हो रहा है. लेट्स सी, ट्यूनर बहुत अंदर है ना. ओके, chrome performance, chrome performance looks nice. big bore, big bore thoda zyada bada ho raha hai. Okay, these are after, and by the way, ASAP Rocky again, I think I'm going to go with chrome performance. ASAP Rocky main isliye kar raha hu because not like I'm a big fan of his or something like that, because that guy, uski gaadi mein gold accents hai to is wajah se. Oh nice, stealth grill painted गोल्ड अगेन. मैं तो स्टॉक ही रखने वाला हूँ बिकॉज जो बिल्ड मैं चाह रहा हूँ उसमें आई नीड क्रोम एलिमेंट्स टू. सो अब इन सब के अंदर हेडलाइट कवर देखो, अच्छा ये भी है इसमें जो ट्यूनर में थे. देखो व्हाट आई वांट इन दिस इज वैसा, ये दीज टेप्स, हेडलाइट टेप्स, आई हैव सीन दीज हेडलाइट टेप्स इन दिस कार मैनी 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 टाइम्स. व्हाट इज दिस, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब चश्मा लगा हुआ है उस गाड़ी को और अब न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रही हो बिना चश्मे के, और इसलिए इट इज क्विंटिंग इट्स आइज. सो इट लुक्स स्टूपिड. ओके, गोल्ड वाले ऑप्शंस भी हैं, इनटेक भी है इसमें, बट आई एम नॉट रिमूविंग. अच्छा लग रहा है लेकिन मैं अपनी सेकेंड लाइट नहीं रिमूव करने वाला बिकॉज ऑलरेडी मैं अपनी नीचे वाली फॉग लाइट रिमूव कर चुका हूँ. सो आई थिंक आई एम जस्ट गोना गेट द टेप, देयर इट इज. हुड में अब ऑर्नामेंट्स अगर देखे तो ओ रियली नाइस नाइस नाइस, के गोल्ड एयर ट्विन इनटेक्स, दे लुक रियली गुड. दिस इज अ बिट ऑफ अ ओवरकिल. नोप, BMW सी लग रही है तो देखने में ऐसे. फिर ओके सो ओके वेरी नाइस, बट आई विश कि ये ऑर्नामेंट विद ट्विन इनटेक्स का ऑप्शन होता तो. आई थिंक आई एम गोना गो विद द मैन्युफैक्चरर ऑर्नामेंट. हॉर्न तो कुछ नहीं, लाइट्स, ओके, लेट्स सी, लेट्स पुट नियॉन, बैकपैक, लिवरी. लिवरी में बाय द वे इस गाड़ी का जो मैं बिल्ड करने वाला हूँ उसमें कोई लिवरी होती नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ. डबल ब्लैक, ब्लैक डबल, आई मीन नॉट डबल ब्लैक,
कार इज मर्सिडीज नॉट जॉनी वॉकर। बेनिफैक्टर स्ट्राइप में आगे बेनिफैक्टर लोगो आ जाता है और पीछे कुछ नहीं है, आगे से वाइट बेनिफैक्टर, देन हुड पे ओके नाइस, ब्लैक बेनिफैक्टर रेसिंग फ्लेम, ब्लैक ज्योमेट्री एंड देन ब्लैक बॉटम एंड यू डन। बाय द वे देयर आर सम अदर लिवरीज जो अगर आप गाड़ी को ड्रिफ्ट में कन्वर्ट करते हो, तीन चार लिवरीज हैं जो आते हैं इंक्लूडिंग द लिवरी ऑफ एसैप रॉकी वाला फ्रॉम एसैप रॉकीज का, नॉट फ्रॉम। तो ये डोर्स ओके, रियर विंग ओके, रियर स्ट्रिप, रूफिंग एंड द लूवर्स। आई थिंक या लूवर्स में मैंने देखी है और मैंने ये भी देखा है रियर स्ट्रिप में भी कार। तो आई थिंक रीस्प्रे करने के, चलो एक बार रीस्प्रे करने के बाद चलो अभी देख लेंगे, रुक जाओ। अच्छा बस कलर चेंज होता है, नाइस। तो बाहर बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया। लूवर्स, लेट्स पुट ऑन द लूवर्स आई थिंक, तो रीस्प्रे के बाद ही आएंगे। प्लेट रीस्प्रे, रीस्प्रे नहीं, तो जो गाड़ी का बिल्ड पूरा हो जाएगा तब। सो इसमें देखो दो तरीके का मैंने देखा है हमेशा, या तो मेटालिक ब्लैकिश कलर जैसे अभी ये है और इसमें ब्लैक कलर और आएगा वो, या मैंने जो देखा है मोस्टली वो देखा है सिल्वर में, लाइक लेट मी शो। सिल्वर भी ऐसा चमकता सा सिल्वर, बिल्कुल प्यारा सा सिल्वर, लाइक सबसे ज़्यादा चमक ये रहा है इस समय इसमें। इवन दिस इज ऑल्सो नॉट दैट सिल्वर जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना मेटल्स में, ये भी कम चमक रखे मेलियन में, काइंड ऑफ इतना चमकना चाहिए बस। ये थोड़ा प्रिज्मेटिक है ये, अगर मैं इसमें से प्रिज्मेटिक वाला वो हटा दूँ तो इतना अगर चमके तो, बट सिंस वी डोंट हैव दैट तो हमें मेटालिक से ही काम चलाना पड़ेगा। सो लेट्स टेक दिस ब्लू सिल्वर पर्लसन में, वॉट इफ अगर मैं इसमें डायमंड ब्लू कर दूँ तो, डायमंड ब्लू के समझ नहीं आया कि कुछ फ़र्क था या नहीं था। डायमंड ब्लू, थोड़ा एक ब्लूइश हिंट, लेकिन ब्लूइश जगह एक वाइटिश हिंट चाहिए हमें इसमें। यू नो वॉट, इससे ज़्यादा नहीं चमकने वाला टर्न्स आउट। सेकेंडरी क्या है हमारा, सेकेंडरी इज नीचे का, एनीथिंग एल्स इंटीरियर में कुछ नहीं। ओह ओके, सो हमारी स्टिचिंग इज लिंक टू द प्राइमरी। आई विल मैच दिस वी सिल्वर मेटालिक ना, हाँ सॉरी ओके मैच। यार मुझे लगता है रिमूव होना पड़ेगा, इतना ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा जो लाइंस जा रही है ना ये। स्कर्ट्स स्मूथ ओके, आई लाइक देम सेम कलर में। नाउ लेट्स सी स्प्लिटर्स, क्रोम ओ प्राइमरी पेंटेड, दीज लुक वेरी नाइस, कोल्ड एंड ट्रैक। सो आई थिंक आई एम गोना गो विद द पेंटेड स्प्लिटर। स्पॉइलर एक्सट्रीम, नाउ दैट वॉज वेरी एक्सट्रीम। ये देख के मुझे पता है दो चीज़ों की याद आती है कि कुछ लोग यूएसए में ऐसा करते हैं कि अपनी गाड़ियों पर ऐसी मजाक मजाक में छोटे छोटे से, बहुत ये तो बहुत बड़ा है लिटरली, इसके आधे साइज से भी थोड़ा छोटा स्पॉयलर लगा लेके। और दूसरा पुरानी जो लिमोजीन्स आती थी, पुरानी आई एम टॉकिंग अबाउट वेन डाई हार्ड और ये सब आती थी उससे पहले भी, तो लिमोजीन्स पे छोटे छोटे स्पॉयलर लगे हुए होते थे, बट दे यूज टू बी कर्व्ड स्पॉयलर्स, मुझे उसकी याद दिला रहा है ये। देखो रॉकस्टार ने कितनी मेहनत करी है, कितना रियल कार में हो तो कितना प्यारा लगे, देखना मतलब कितने प्यारे प्यारे कर्व्स और एजेस दिए हैं इसको देखना। ओके फैक्ट्री, फैक्ट्री स्पॉइलर क्या है भाई ये? अच्छा फैक्ट्री स्पॉइलर थोड़ा बाहर निकला हुआ है, देन डकटेल, देन दिस, देन ओके ड्रिफ्ट रिंग अच्छा लग रहा है देखने में। डू वी हैव द वन दैट वी वांट, यस हियर इट इज, मैं ही ये लूंगा लेकिन आपको और दिखा देता हूँ और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास में। ओके सनस्ट्रिप, सनस्ट्रिप वैनिटी स्ट्रिप ओके, टू मच आई थिंक सनस्ट्रिप, व्हाई नॉट बैक, सस्पेंशन स्लैम, टू मच स्लैम इट सीम्स, उसे थोड़ा कैम्बर भी ऐड होता है। ओके ये ज़्यादा इतना स्ट्रीट सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, टर्बो, व्हील्स। ओके सो फॉर व्हील्स वी हैव गॉट सम चॉइसेस, बट जैसे आई थिंक एक तो लो राइडर में है हमारे पास में, कौन सा लेट मी, मुझे नाम नहीं याद उसका, लो राइडर में या फिर उसमें, लो राइडर नहीं सॉरी यार ट्यूनर, वेट लेट मी शो,
या हियर इट इज। एक तो हमारे पास चोकू दोरी शिकेंस, यहाँ ये रहा साइसोकू है, बट द थिंग इज कि फिर इसका जो रिम है वो छोटा हो जाता है, टायर का वो मोटा हो जाता है, वो इस गाड़ी पे अच्छा नहीं लगता। सो दूसरा हमारे पास में एक ट्रैक में भी शायद से ऐसा कुछ है, राइट। किसी एक में और है हमारे पास में या आई थिंक स्पीड बॉय है ना शायद से, नहीं ये रैली मोनोब्लॉक। बट द प्रॉब्लम विद दीज इज कि ये इतना अग्रेसिव नहीं लगते फिर ये, है ना। और दूसरा दे हैव गॉट अ लिप आउटसाइड यू नो, तो इसलिए वी डोंट वांट दिस एज वेल। तो व्हाट आई एम गोना गेट इज दीस राइट हेयर, एंड बिलीव मी जब मैं ब्लैक बेल्ट करूंगा उसमें भी मैं यही करने वाला हूँ। मुझे तो भाई देखो पसंद है इसलिए करूंगा। शुड आई पेंट देम ब्लैक, शुड आई पेंट देम ब्लैक, शुड आई पेंट देम वाइट, आई मीन उसमें तो वाइट ही होता है। ये दिस इज द ओनली थिंग जो मेरा पर्सनल टच रहेगा इस गाड़ी पे रिगार्डिंग व्हेन इट कम्स टू दिस। आई मीन लेट्स वाइट इट आई गेस, एंड द टायर्स डिजाइन इफ यू वांट टू पुट एनी यू कैन, आई एम नॉट पुटिंग एनी, आई वॉन्ट द बिल्ड टू बी अ बिट क्लीन, एनहांसमेंट श्योर, स्मोक नोप, इंटीरियर्स लाइट करते हैं थोड़ा सा, डन। नाउ इसमें मुझे एक चीज करनी है, आर्च कवर्स, या दिस लुक्स क्लीनर, बोल्टेड ऑन, एक मिनट, हाँ बोल्टेड ऑन भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा अग्रेसिव सा है। आई थिंक आई एम गोना गो विद द बोल्टेड ऑन वंस, राइट। थोड़ा बोल्ड सा है, थोड़ा दिख रहा है, बट ठीक है। एंड देन आर्मर हो गया, ब्रेक बम्पर हमारा हो ही गया था, इंजन हमारा हो ही गया है, एग्जॉस्ट हमारा हो ही गया, राइट। यार इसको ब्लैक कर दूं क्या मैं गाड़ी को? आई थिंक ब्लैक ही कर देता हूँ, चलो वेट वन सेकेंड। रिलीज स्प्रे ब्लैक में और क्लासी लग रही थी ये, ब्लैक नाउ पर्लसेंट, 2 मिनट में आता हूँ। सेकेंडरी मेटालिक ब्लैक, प्राइमरी पर्सेंट, व्हाट डू वी वांट, दिस दिस काइंड ऑफ अ ब्लैक, और डू वी वांट थोड़ा सा मेटालिकिश। चलो शेडो सिल्वर लेते हैं, बैक बैक बैक। अब आते हैं अपने इस पे व्हील पे, हाय नहीं, अरे नहीं यार, कलर ब्लैक ब्लैक या फिर गोल्ड, लेट्स ब्लैक एम, आई मीन शॉप। ओके वन सेक, लुक नाइस बट ठीक है। एक हमारे पास एसयूवी में भी एक है ना ऐसा, इसी तरीके से, हाँ थोड़ा अलग सा। दीज ऑल्सो लुक नाइस, आई मीन दे लुक, दे डोंट लुक बैड, दीज ऑल्सो लुक गुड। ठीक है चलो ये हो गया, ये हो गया, विंडोज हमने करी लिया अपनी, व्हील्स हो गया, टर्बो ट्रांसमिशन सस्पेंशन सनस्ट्रिप हमने कर ही ली है, बट दिस और दिस, आई मीन लेट्स कीप द सनस्ट्रिप। स्पॉइलर हमारा हो गया, स्प्लिटर हमारा हो चुका है, राइट। स्कर्ट्स हमने ले ली है, रीसर हमारा हो गया, प्लेट हमने अपनी देखनी है, हाँ। सो फॉर प्लेट आई थिंक वाईफाई, शुड आई ब्लैक इट, मीन वाई नॉट, डू आई हैव अ मर्सिडीज इज हियर, एंड देन लेट्स लेट इट बी वाइट आई गेस, राइट। थोड़ा अलग से दिख तो रहा ही है, प्लेट हो गया, नाउ लूवर्स, रियर स्ट्रिप इफ यू वॉन्ट, ओके, या फिर लूवर्स, लेट्स गो विद द लूवर्स, थोड़ा इट इज एडिंग टू द कार से
लास्ट जनरेशन डिवरी डिवरी आपको इसमें हमें अच्छी लग रही है, ब्लैक वाइट वाइट मैन्युफैक्चर, देन दिस देन दिस देन दिस देन दिस देन दिस, ओके नथिंग, लाइट्स हमारी हो गई हैं राइट, यप, हॉर्न हुड हुड हमने अपना ऑर्नामेंट ले लिया है, इफ वी वांट तो हेडलाइट कवर्स, हेडलाइट कवर फिर अब हटा दो अगर मैं वही वाली बिल्ड नहीं कर रहा तो, थोड़ा क्लीन ही रखना है अगर तो, ग्रिल स्टेल्थ करूँ क्या ग्रिल को, हमारे पास में फिर क्रोम एलिमेंट सिर्फ एक तो रिम में है स्क्रूज में है, और आई एम गोना कीप द दिस ग्रिल एज द वे इट इज, लेकिन एक काम करते हैं हुड में जब हमें जब हम उसकी उस तरीके की बिल्ड कर ही नहीं रहे स्पोर्ट्स टाइप बिल्ड कर रहे हैं तो लेट्स टेक दिस, ओके जब हम माफिया बिल्ड करेंगे तो तब हम उसमें अपना ऑर्नामेंट लगा लेंगे, हुड हो गया हेडलाइट कवर से एक मिनट हुड डन हेडलाइट कवर ग्रिल हम उसको करते हैं मैच, कैसी लग रही गाड़ी, ये ब्लैक थोड़ा ज़्यादा ब्लैक नहीं लग रहा कंपेयर टू टू अदर पार्ट्स, पेंटेड ग्रिल दिस लुक्स नाइस पेंटेड ग्रिल वर्सेस क्रोम या पेंटेड इट इज, एग्जॉस्ट हमारा हो ही गया था थोड़ा बड़ा एग्जॉस्ट है ना तो बढ़ा देते हैं, इंजन हमारा हो गया, बम्पर्स हमारे हो ही गए थे राइट, ओके आई मीन व्हाई नॉट राइट, बैक पैक एंड ब्रेक्स एंड आर्मर एंड आर्च कवर्स एंड एवरीथिंग इज डन, लेट्स गो, द कार लुक्स नाइस, लेट्स सी हाउ द कार इज, Nice, the car looks good. Yeah. ये कहाँ? अच्छा नहीं ये इसका groove है मुझे लगा गाड़ी कहीं ठुक के आई है. So, चलो now let's go outside. Let's see how the car performs. चलो बारिश रुक गई थी में. Let's hear the sound of the car. Which class? Sedans. Okay. Let's see. All wheel drive? No. Nope. Rear wheel drive it is. Lots of torque and let's go. Interior इसके dial wheel कैसे हैं? Okay, चलो ठीक है. Lights looking nice. Let's go. Sweet mother. Okay. Car feels a bit heavy. Feels fast, not very fast. I won't be like, oh my god, this is so fast, such a fast car. 120 is his speed, or so other nahi hai. Let's go left. Okay, understeer hai gaadi mein. There is nice amount of understeer in the car. Let's go right, left, okay. Right, brakes are good, okay, left, so straight, acceleration अच्छा है इसका, right, oh nice, That's nice. Let's go again. यहाँ देखते हैं क्या. कोई ड्रामा नहीं था. Let's go straight. Okay, good. Left. Left. I wonder how this car, you know, works. Drift mechanism मतलब drifting में कैसी है गाड़ी. ओके लेफ्ट प्रेडिक्टेबल है पर कार यू नो मतलब थोड़ा अंडरस्टीयर है स्लाइड आउट कर जाती है गाड़ी
बट प्रिडिक्टेबल है, इट्स नॉट लाइक कि प्रिडिक्टेबल नहीं है गाड़ी, इट हैंडल्स नाइसली, मतलब मेरे मुझे तो अच्छी लग रही है गाड़ी, इट्स फन टू ड्राइव। यहाँ से लेते हैं यू टर्न, एक बार वहाँ पे दोबारा से आते हैं, होपफुली कोई ना हो। लेट्स गो अगेन। यार हर बारी मैं यहाँ पहुँचता हूँ कोई ना कोई गाड़ी होती है, डेफिनेटली बहुत अच्छे से जा रही है। यहाँ पे मैं वाइट भी था कुछ देर करते हुए, नाइस नाइस, दर्द हो गया, दैट्स नाइस। ओके सो व्हाट ऑल ओपन्स अप, लेट्स सी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार, द वे इट लुक्स, द वे इट ड्राइव्स, रियली 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 गुड। काफ़ी टाइम बाद कोई गाड़ी, मज़ा आ रहा है भाई चलाने में। ओके मैनेज व्हीकल्स प्रेफरेंसेस ऑल, यप एवरीथिंग ओपन्स अप, नाइस इंजन मॉडल। अंदर का बस नीचे का मत देखना, इतना इतना एरिया देखना बस आप, नाइस इंजन मॉडल। इंटीरियर इस गाड़ी का अच्छा है, सीट्स भी अच्छी हैं, लाइक थोड़ा अलग इंटीरियर है इस गाड़ी का, लाइक सी देखो इंटीरियर थोड़ा अलग है इस गाड़ी का, नाइस। एंड डू आई वांट टू सी द टेक्सचर, ओके लेट्स सी, अच्छी बकवास, बट ये क्या है, ओके दैट्स गुड एवरीथिंग ओपन्स अप, मैनेज व्हीकल preferences and none, so now let's go. Yeah there is our high beam, so now let's go. ab ek bari gaadi ka hum dekhte hain ki top speed kaisi hai. dekho slow handling flags to nahi lage mere ko is gaadi mein, theek hai, slow handling flags to nahi the gaadi ke andar, theek hai, ना ही गाड़ी के अंदर कोई मतलब एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत लगी। टॉप स्पीड इसकी अभी हमने देखी है, मैं बोल रहा हूँ 120 क्योंकि एनालॉग है तो ये दिखाएगा ज़्यादा, आई एम प्रीटी श्योर, जैसे गाड़ी नहीं है एनालॉग, पर ये 120 से ऊपर की गाड़ी नहीं है ये, लाइक वेट लेट्स सी। लास्ट वाली सड़क पे हम स्ट्रेट जाएंगे तो उसी की क्या क्या बढ़ रहा था, ऐसी रैंडमली ये वाली रोड आई गेस ये वाली जाएगी ना आर्केड, हाँ सो लेट्स सी यहाँ से ट्राई करते हैं कि गाड़ी की क्या स्पीड पे रहती है। रियली नाइस, रियली टॉर्की, अरे बाप रे, ओ दर्द हो गया है भाई, 120 120 120। वी हैव टू गो टू एलएस कार मीट ना, वहां जाके और देखने की गाड़ी कैसे चलती है, तो एस यू गाइस एट एलएस कार मीट। बाय द वे इसके ड्रिफ्ट ट्यूनिंग है 200,000 की, तो नॉट टू कॉस्टली। बस मैं एक चीज देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं अगर मैं इसको रीस्प्रे ब्लैक की जगह अगर मैं इसको कैमेलियन में करूं इसमें तो कैसा रहेगा। आई थिंक आई एम गोना कीप इट ब्लैक ओनली, ओके लेट्स गो आउट। एक मैं यहाँ पे देखूँ क्या लिवरी कुछ अगर अलग से दिख रही है तो ना भैया, यू हैव टू कन्वर्ट टू सी दैट, देखना इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर माफिया कार, नहीं लेट्स गो। ओके टेस्ट ट्रैक, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टाइम ट्रायल, लेट्स गो। देखो मुझे इसके टाइम से कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है बिकॉज गाड़ी देखो हैवी है, स्लाइड आउट कर रही है और ये बहुत स्लाइडी सरफेस है, लेकिन फन डेफिनेटली। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लैप, लेट्स सी हाउ इट डज। ओके सो वी आर, आई टेल यू अबाउट दिस थिंग अबाउट दिस कार कि ये वाली गाड़ी यस एज ए प्रेडिक्टेड कि ये कोई लैप टाइम नहीं सेट करेगी, मतलब नया रिकॉर्ड नहीं सेट करेगी आई मीन, बट दिस कार इज फन टू ड्राइव। हैवी है बट यू कैन प्रिडिक्ट वेयर इट इज गोइंग, अंडरस्टीयरी है बट यू कैन टेल कि कितना अंडरस्टीयर होगा कैसा होगा, ब्रेक्स अच्छे हैं, एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग है, तो लाइक इट इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल अनलाइक मैनी अदर कार्स विच आर लिटरली यू कैन नॉट टेल कि कहाँ जाके रुकेंगी वो, लाइक सी आई ड्रिफ्टेड इन टू दैट कॉर्नर। ओके आई थिंक इसकी ड्रिफ्ट कार विल बी रियली नाइस, आई माइट चेक इट आउट।
दैट वॉज प्रिटी फास्ट 103 मतलब ओके आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज ओके गाइज सो नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द ड्रैग रेसेस एंड ऑल ओके ओके फॉर सम रीजन माई हेडलैम्प्स आर नॉट वर्किंग वेट नाइदर आर माई बैक लाइट्स वर्किंग ओके आई डोंट नो व्हाई लेट्स गो यहाँ तो हेडलाइट काम करनी है पोडियम से ये जो भी कहते हैं इसको पोडियम नहीं मतलब पवेलियन जो भी कहेंगे ये भी थोड़े से होने चाहिए लाइटेड अप एंड ऑल लोग वोग दिखने चाहिए थे एंड ऑल बट ठीक है एंड 23.74 आई डिड नॉट फिनिश फर्स्ट आई वाज द ओनली पर्सन रेसिंग बट ओके नाउ दिस वन इज द टॉप स्पीड ट्रैक देखो बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं मेनली HSW की होती हैं जो लॉन्गर हायर स्पीड लॉन्गर एक्सेलरेटिंग कार्स होती हैं तो उस वजह से वी हैव मेड दिस आई हैव मेड दिस ट्रैक सो दिखाता हूँ ये यहाँ से शुरू होती है जहाँ पे हेलोवेट का साइन है और ये कसिनो के सामने तक आके खत्म होती है कार लुक्स नाइस Yes, I did that. Elimination वाला breakable board वहाँ लगा दिया था. 51.36. Okay. Now the next race जो होगा वो paved off-road track नहीं है. That is instant race. This is the circuit race. ये मैंने कहा था ना कि ये थोड़ा elevation पे है. सारा tarmac पे है. And this will tell how the car handles the elevation changes and all. Right? It will also tell कि गाड़ी का हमारा ये कितना है. क्या बोल? बारिश तो नहीं हो रही. कि हमारी गाड़ी का ट्रैक्शन कितना है और डाउनफोर्स कितना है और कैसे परफॉर्म कर रही है और एक्सेलरेशन कितना है और गाड़ी ऊंच ऊपर नीचे होने पे मतलब वो तो नहीं कर देती अरे यार एवरी टाइम आई रीच दिस ट्रैक मेरे कान फाड़ देता है शुरू होती है रेस जैसे गाड़ी एलिवेशन चेंज पे स्पिन आउट तो नहीं हो रही है एंड ऑल सो हियर वी गो बहुत प्यारा ट्रैक है अभी देखना आप देखो पहला एलिवेशन का तो वहीं पे आ गया देखो सिंस आई हैव मेड वीडियोस फॉर एक्सप्लेनिंग द ट्रैक एंड ऑल लेकिन आई वुड नॉट टेक इनटू अकाउंट दिस सेड कार ठीक है कि ये वाली गाड़ी रॉक मैं भूल गया था एक्चुअली सही बताऊं कि रॉकस्टार ये वाली गाड़ी रिलीज कर रहा है आज नहीं तो आई वुड हैव मेड श्योर कि ट्रैक की एक्सप्लेनेशन वीडियोस और ये सब मैं आपको पहले ही दिखा देता मैं तो देखो जितना भी मेरा जो ट्रैक जो मैं टेस्ट करता हूँ इट इज़ नॉट अबाउट कि व्हाट इज़ द फास्टेस्ट टाइम आई कैन डू ऑन द सेट ट्रैक द ओनली रीजन फॉर दिस ट्रैक टेस्टिंग इज कि एज समवन जिसने ये गाड़ी इतनी नहीं चलाई है एज समवन हु इज़ नॉट लाइक ब्रफी और समवन लाइक दैट यू नो जो प्रॉपर रेस करते हैं लोग एज समवन हु जस्ट गॉट हिज हैंड्स ऑन दिस न्यू कार हाउ दिस कार ड्राइव्स एंड हाउ आई एम एबल टू कंट्रोल द कार विच मीन्स कि मेरे से गलतियाँ भी होंगी Which means कि मेरा fastest time भी नहीं आएगा which means मेरी गाड़ी हो सकता है देखो I'll still try to do as best as, you know, to my capability as I can. But again, capability सबकी अलग अलग होती है मुझे पता है कि मैं वैसा racer नहीं हूँ तो इस वजह से मैं इसको अपने हिसाब से चला रहा हूँ है ना ब्यूटिफुल मतलब
आई हैव ड्रोव ऑन दिस ट्रैक 6-7 टाइम्स नाउ, ठीक है. दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्राइव येट इन एनी कार. एंड आई टेस्टेड दिस ट्रैक इन अ वैगनर. तो अब आप लगा लो हिसाब कि ये वाली गाड़ी कितने प्यार से चल रही है इस समय. एवरी टाइम यहाँ मैं हर बार ही घुसता हूँ, ठीक है. तो मेरा जो भी ट्रैक्स है ये उस हिसाब से जैसे मैंने अभी आपको बताया. Let's go. ये हाई स्पीड सेक्शन है, ये हमारे ट्रैक का हाई स्पीड कर्व्स. अब यहाँ से वापस एलिवेटेड कर्व शुरू हो गए. एलिवेटेड कर्व्स के साथ में क्या होता है ना कि बाय द एंड जो ट्रैक होता है क्योंकि वो ऊपर से नीचे आता है तो योर कार इट लूजेस ट्रैक्शन. जैसे अब यहाँ देखना, ये इधर ये रहा, यहाँ पे मुझे ब्रेक लेने पड़ेंगे नहीं तो मैं उड़ता हुआ सामने जाऊँगा. लेफ्ट शिट, लाइक देखो ऐसे ये होता है अगर मैं ब्रेक नहीं लूंगा वहां पे. एंडिंग में थोड़ा एफ अप हो गया बट हियर इट इज. व्हाट्स द टाइम? अब देखो अब हमारा एक ही रेस बची है फाइनल जो है, दैट इज द ऑफ रोड वाला जिसमें हमारा एलोमोसी के आसपास वाला जिसमें ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों इंक्लूड होता है. तो अब हम वहां जाएंगे और उसके बाद में फिर आई विल गिव यू द रिव्यू ऑफ द कार. अब ये वाला जो ट्रैक है ये हमें ऑल यू नो ओवरऑल परफॉर्मेंस बताएगा गाड़ी की, कि गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है. ये इसमें आपका एक मिनट, डिड आई मिस इट? या इसमें हमारा ये भी है, क्या बोलते हैं, ऑफ रोड सेक्शन भी है इसमें, ऊंच नीच भी है इसमें, प्रॉपर टारमैक भी है इसमें, कर्व्स भी हैं, कर्व्स भी हैं. अरे बाप रे क्या मेरा तो कैरेक्टर बिल्कुल तगड़ा डांस कर रहा है. सो दिस इज लाइक एन ऑलराउंड यू नो टेस्ट. सो एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ट्रैक्स, तो हाँ अंटरलेस मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये वाला लैप मैंने ज़्यादा एफअप कर दिया है. मान लो गाड़ी एक बारी स्पिन ठीक है लेकिन दो बारी तीन बारी स्पिन हो गई, पूरा गाड़ी स्टैंड स्टिल पर आ गई, पलट गई, पानी में गिर गई, रिस्पॉन होना पड़ा, तो आई विल रीडू द ट्रैक राइट. बट दिस इज जस्ट टू शो यू कि अगर कोई मेरी तरह कोई नूबड़ा अगर आके यहाँ पे कर रहा है कुछ, मतलब अगर गाड़ी कोई खरीद के चला रहा है तो गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है. बाकी तो रिगार्डिंग व्हेन इट कम्स टू मास्टरिंग अ कार यू कैन ऑलवेज मास्टर द कार बाय प्रोलॉन्ग ड्राइविंग एंड स्टफ राइट. सो इट्स नॉट लाइक कि मतलब वो जो मास्टर होंगे भाई वो एनीवेज वो अच्छी ही चलाएंगे हर एनवायरनमेंट में. तो चलो okay. भाई इस वाली गाड़ी पे सबसे इस वाले ट्रैक पे सबसे ज्यादा खून मेरा वैगनर ने चूसा था. वैगनर वाले उसमें मैंने टाइम इसका इंक्लूड नहीं करा है, वैगनर वाले में टेस्ट कर रहा था इस वाले ट्रैक को राइट जस्ट आफ्टर आई मेड द वैगनर. अगर आप लोग देखोगे वीडियोस में तो ये वाले ट्रैक मैंने इंक्लूड करने शुरू करे हैं, बाकी सारे के सारे नहीं, वैगनर में मैंने इसका टाइम डाले, बाकी ट्रैक्स का सॉरी उनका नहीं डाला. वैगनर वाले वीडियो में देखना भाई, मैं तो पता नहीं 2-3-4 बार बिकॉज वो वाली गाड़ी इतना ज़्यादा स्पिन हो रही थी, इतना ज़्यादा स्पिन हो रही थी, मतलब क्या ही बताऊँ. तो भाई उस वाली गाड़ी ने दिमाग खा लिया था भाई मेरा. मैं सोच रहा था कि जेस्टर क्लासिक इज अ कार, जेस्टर क्लासिक जो सुपरा बेसिकली है मैं, मुझे लग रहा था कि वो वाली गाड़ी थोड़ा बुरा हाल करेगी, लेकिन नहीं भाई वो वाली गाड़ी तो बढ़िया चली इस ट्रैक पे, मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छी. ऐसे ही क्लीक है यू नो वो भी अच्छी चली काफ़ी. ब्रेक्स फॉर दोज वंडरिंग कि मैं यहाँ शॉर्टकटों से क्यों नहीं निकालता, बिकॉज मैं यहाँ पे कर्व्स वर्स पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए दिस आई एम नॉट रेसिंग एनी वन राइट. तो इस वजह से ये ट्रैक एज ए साइड मैंने बनाया तो रेस के हिसाब से भी बनाया ना, तो जिनको पता है वो निकाल सकते हैं यहाँ से सीधे सीधे, बट फॉर टेस्टिंग पर्पसेज आई एम नॉट गोना यूज द शॉर्टकट्स.
रियली वाइज भाई, ये बहुत उन बहुत ही कम कारों में से है जो मैंने पहले लैप में ये वाला रेस पूरा कर रहा हूँ मैं, नहीं तो भाई क्या बताऊँ मैं, क्या ही होता है मेरे साथ इस ट्रैक पे। नाइस, बैक एंड थोड़ा सा बाहर आ रहा था। So guys, all in all, now we are done with the customization of the car. We have also checked how the car drives and everything. देखो, ऑल इन ऑल 1.7 मिलियन की, 1.8 मिलियन के आसपास, और उसके बाद 200,000 आप अपग्रेड्स पे लगा दो, द कार इज वर्थ इट। डिसेंट इनफ अपग्रेड ऑप्शंस, डिसेंट इनफ बिल्ड्स दैट यू कैन मेक आउट ऑफ दिस कार, एंड बिलीव मी, बट यू आर नॉट टू बाय दिस कार फॉर दैट, मतलब अंटिल अनलेस यू लाइक द वे द कार लुक्स ऑब्वियसली, बट इफ नॉट देन आई थिंक द रीजन वाई यू शुड गेट दिस कार इज फॉर द वे इट परफॉर्म्स, द वे इट ड्राइव्स। भाई मैं बता रहा हूँ, इतने इतना फन आई हैव नॉट हैड इन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम वाइल ड्राइविंग अ कार इन GTA 5, राइट? इट्स ऑल प्रीटी नाइस, इट्स ऑल प्रीटी गुड, द वे इट ड्राइव्स, द एक्सेलरेशन, द कर्व, द वे इट टेक द टर्न्स एंड एवरीथिंग, इट्स रियली रियली गुड। सो गाइज, आई होप दैट यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू गाइज डिड लाइक द वीडियो, देन प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। プレイステーション。